हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उमा रावत और स्वागत है आपका फूड साइड पे। खस्ता करारी चावल की चकली बनाने के लिए हम किसी भी कप के मेजरमेंट से 2 कप चावल का आटा लेंगे। 2 कप अगर चावल का आटा ऐड किया है तो इसी कप के मेजरमेंट से हम 1 कप बेसन ऐड कर लेंगे, जी हाँ चने का आटा। और उसके बाद हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 छोटा चम्मच अजवाइन ऐड कर लेंगे। बढ़िया से कलर के लिए 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, इसमें कूटी हुई और कश्मीरी दोनों मिक्स हैं, 1/2 छोटा चम्मच। नमक ऐड करेंगे 3/4 छोटा चम्मच या फिर स्वाद के अनुसार। 1/2 छोटे चम्मच के करीब जीरा ऐड कर लेंगे, साबुत जीरा, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसके अंदर। और अब हम यहाँ पर 2 से 3 चुटकी मीठा सोडा, जो खाने का सोडा होता है ना, वो ऐड कर लेंगे। अब 1 बड़ा चम्मच खसखस ऐड करेंगे, यानी कि पोस्ता दाना, जिसे इंग्लिश में पॉपी सीड्स बोलते हैं। इसका टेस्ट और क्रिस्पनेस बहुत अच्छा आता है इनके अंदर। आप इनकी जगह वाइट सेसमी सीड्स यानी कि तिल ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसके अंदर कुटी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे, ताज़ी कुटी हुई काली मिर्च है, आप इसमें पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। 2 बड़े चम्मच हम यहाँ पर देसी घी ऐड करेंगे, आप इसमें रिफाइंड ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, बट देसी घी से अलग ही टेस्ट और टेक्सचर आता है। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब इसका आप देख सकते हैं क्रम्बली टेक्सचर हो चुका है। और अब हम इसके अंदर गुनगुना पानी या थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करते हुए इसका एक सॉफ्ट आटा लगाएंगे। पानी ध्यान रहे थोड़ा थोड़ा ही ऐड करना है, मिक्स करते जाना है, मतलब आटे को मिक्सिंग करते हुए पानी ऐड करना है। ये नहीं कि आपने पहले पानी ऐड कर दिया उसके बाद आटा लगाया। अब आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट आटा लगा है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे और थोड़ा ग्रीस कर लेंगे ताकि आटा सूखे नहीं। आटे को अच्छे से मलहार देना है ताकि आटा काफ़ी स्मूथ और चिकना तैयार हो, ताकि हमारी जो चकली है वो टूटे नहीं बनाते टाइम। आप इसे प्रेस करते हैं तो एकदम स्मूथ है, इसमें क्रैक्स नहीं आ रहे हैं। अब हम इस आटे के एक टुकड़े का एक सिलेंड्रिकल शेप देंगे और अब हम ये चकली मेकर ले लेंगे। आज हम इस गन स्टाइल चकली मेकर से चकली बनाएंगे। बेहद आसान है इससे काम करना और बहुत ही अच्छा है। इसके सारे पार्ट्स अलग कर लेंगे और इसके अंदर थोड़ा सा तेल ग्रीस कर लेंगे ताकि चकली बनाते टाइम प्रॉब्लम ना आए। चकली बनाने के लिए स्टार की मीडियम डिज़ाइन ले लेंगे और इसे हम बंद करेंगे इस तरीके से। अब इसके अंदर हम आटे का कुछ पोर्शन डालेंगे, 3/4 हिस्सा भर देंगे एक सिलेंड्रिकल शेप देकर, और इसका जो नॉब है यहाँ पर इसे प्रेस करेंगे तो ये रॉड बाहर की ओर आएगी ताकि आप इसका कवर अच्छे से बंद कर सके। इस रॉड को ऊपर खींचना है नॉब को प्रेस करके, ये देखिए इस तरीके से, और अब आप इसे आसानी से बंद कर सकते हैं। और अब आपने क्या करना है, जिस तरीके से हम कोई गन प्रेस करते हैं ना, इस तरीके से आपने बस इसे प्रेस करते जाना है। दोस्तों, चकली बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक सिल्वर फॉइल ले ली है। आप कोई बटर पेपर ले लीजिए या फिर आप कोई प्लास्टिक शीट या फिर कोई प्लेट ले लीजिए, क्योंकि हम बना रहे हैं इंस्टेंट चकली और तेल में डालने के लिए इसे उठाना पड़ेगा, तो हम कोई ऐसी चीज़ चुनेंगे चकली बनाने के लिए ताकि हम इसे ईजिली उठा सके तेल में तलने के लिए। आप देख सकते हैं चकली बनाना बहुत आसान है, बस आपने सेंटर से स्टार्ट करना है और जितना बड़ा साइज आपको चकली का चाहिए आप उतनी बड़ी चकली बना लीजिए। अगर घर में छोटे किड्स हैं तो उन्हें भी इस काम में शामिल कीजिए, वो बहुत ही इंटरेस्ट के साथ इस काम को करेंगे। और अगर आपसे प्रॉपर शेप नहीं बनती, इस तरीके से थ्रेड फैला दीजिए और इसे राउंड राउंड कर लीजिए, चकली तैयार हो जाएगी। और फॉइल से निकालना इसे बेहद आसान, देख सकते हैं। बट अगर आपको फॉइल से निकालने में प्रॉब्लम हो रही है तो डायरेक्ट तेल में डालने के लिए आप सीधे पूड़ी निकालने वाली जाली पे, कलछी पे आप चकली को बनाइए और सीधे तेल में डालते जाइए। हमारी सारी चकली रेडी हो चुकी है। तेल को हमें मध्यम गर्म करना है, बहुत ज़्यादा तेल गर्म नहीं करना है, और मध्यम गर्म तेल में ही हमें चकली को इस तरीके से ऐड करना है। और आंच को बिल्कुल कम कर दीजिए, कम आंच पे हमें इसे सेकना है जब तक ये गोल्डन क्रिस्प दिखने ना लग जाए। एक और पहचान है इन्हें पूरी तरीके से सेकने पे, इसके ऊपर के बबल्स बिल्कुल कम हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। इनके एक तरफ अच्छे से सेक जाने के बाद ही इन्हें पलटिएगा, क्योंकि ये काफ़ी डेलिकेट होते हैं। अगर समय के पहले आपने इन्हें पलट दिया तो ये अच्छे से कुक भी नहीं हो पाएंगे और ये टूटने लग जाएंगे। कम आँच पे इन्हें 8 से 9 मिनट के लिए हमने पकाया है, गोल्डन क्रिस्प हो चुके हैं। अब इन्हें बाहर निकालेंगे, इनका अंदर तक कुक होना बेहद ज़रूरी है। अब आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा कलर आया है इनमें, इनके अंदर जो पॉपी सीड्स हमने ऐड किए हैं बिल्कुल मोतियों की तरह चमक रहे हैं। आप भी इन्हें अपने त्योहारों पे बनाइए, किसी खास मौके पर इन्हें सेलिब्रेट कीजिए अपनी फैमिली के साथ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं ये। अचार के साथ इन्हें सर्व कर सकते हैं। ये इंस्टेंट चकली है, इन्हें बनाकर आप 1 से 1.5 महीने तक एयरटाइट कंटेनर में रख कर स्टोर कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। ये ख़राब नहीं होते हैं, चाय के साथ हो या फिर किसी नाश्ते में आपको सर्व करना हो मेहमानों के लिए, ये सबसे अच्छा नाश्ता है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। Thank you.